क्या आपने कभी किसी की डिस्कार्डेड चीज सड़क से उठाकर अपने घर में सजाई है? हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अमेरिका में ये ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। जो आपको चीज़ नहीं चाहिए होती है, लोग उसको कर्ब्स पे रख देते हैं एंड कोई भी उसको उठा सकता है फॉर फ्री, और उसको अपसाइकल करके आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई डिड द सेम विद दिस ऑटोमन। सबसे पहले तो मुझे ये पता चला कि उसकी आउटर फैब्रिक के अंदर एक और फैब्रिक की कवरिंग है। तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद मैंने वो सारी कवरिंग रिमूव की, इसके जितनी भी फोम्स थे सब रिमूव कर दिए और उसको ब्रेक डाउन किया टिल दी वुडन स्ट्रक्चर। बिकॉज यहाँ पर अक्सर घरों में पेट्स होते हैं और तरह के जर्म्स होते हैं, तो मुझे भी कुछ भी फैब्रिक नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ वुडन स्ट्रक्चर चाहिए था। जब मुझे वो मिल गया तो फिर मैंने दोबारा से सारा ऑटोमन दोबारा असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। जितने भी नेल्स रिमूव किए थे वो दोबारा लगाए और उसको दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में मैंने असेंबल करना स्टार्ट कर दिया। जो कहने में जितना आसान था असल में उतना आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन काफी ट्राई करते रहने के बाद काम फाइनली पूरा हो गया। उसके बाद मैंने उसका जो फोम था वो वापस उसके ऊपर लगा दिया एंड देन आई टुक इट इनसाइड टू चेक के रूम में इसका कैसा फील और कैसा लगेगा। ये उठने बैठने में थोड़ी आवाज़ आ रही थी बिकॉज ये जो वुडन प्लैंक्स थे वो आपस में टच हो रहे थे, तो बीच में मैंने फिर एक कपड़ा ऐड कर दिया तो फिर आवाज़ आना काफ़ी बंद हो गई। और साथ में मैंने इसके ऊपर कवर भी चढ़ा दिया और इसके कॉर्नर्स में सबसे ज़्यादा टाइम लगा था तो उसको मैंने ट्राई किया कि जितना नीटली हो सके मैं वो उसके कॉर्नर्स बना दूँ। एंड फिर फाइनली मैंने इसकी जो लेग्स थी वो मैंने इसको स्क्रू अप वापस कर दिया एंड दिस वॉज इट। माई न्यू अपसाइकल्ड ऑटोमन वॉज ऑल रेडी। लेकिन कहानी अभी बाकी है बिकॉज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी बेटी ने उसके ऊपर सारा ग्रीन पेंट फेंक दिया एंड मेरा ऑटोमन वॉज रुइंड। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।